आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर आपने कोई अगर नया लैपटॉप लिया है या पुराना लैपटॉप आपके घर में आपके पास है, तो उसके लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, एंड उसके ऊपर स्क्रीन सॉरी कीबोर्ड का जो प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, वो हम लोग लगाने वाले हैं। सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको साफ़ सफाई कर लेनी है, गंदगी धूल वगैरह सबको अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर ये आपको मार्केट में आप देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तमाम जितने भी मार्केट हैं, छोटे मोटे मार्केट सभी जगह ये आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर वाले हार्डवेयर जो भी होता है दुकान में, ठीक है। मुझे ये 30 रुपये का पड़ा, आपको 50 रुपये के अंदर में ये आराम से मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 20 रुपये में भी मिलता है, तो वो मार्केट पे वैरी करता है कैसा एरिया है आपका। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं और उसके बाद हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो इस तरीके का आपको एक पन्नी मिलेगा, इसको साइड रखो, ये कोई अपने काम का नहीं है। मेन जो है वही आप जो देख रहे हैं ये वाला, हाँ मेन यही है और यही आप लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, इसके ऊपर एक देखो ध्यान से सटा हुआ है पन्नी, इसी को प्रोटेक्टर बोलते हैं, कीबोर्ड प्रोटेक्टर, और इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर सारा जो विधि होता है प्रोसेस वो यहाँ पर लिखा गया है, वैसे आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर दिखा देता हूँ। काफ़ी ईजी वर्क है ये, तो जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है, 90% लोगों को ये काम आता है करने। तो ये जो पतली सी पन्नी है, ठीक है, गम लगा हुआ है इसमें, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं और इसी को हम साटने वाले, यही प्रोटेक्टर है हमारा, और इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बारीकी से अप्लाई करिएगा। मुझे लग रहा है कि ये मेरे कीबोर्ड से कहीं बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देखो कैसे हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर अप्लाई आपको बारीकी से करना पड़ेगा, ठीक है, आप 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो ओके। तो इस तरीके से देखिए इसको रख देना है, बाकी उसको चिपकाना है सही ढंग से। वहाँ पर आगे उधर हो गया तो इसको थोड़ा सा पीछे हम घसका लेते हैं, हो गया, बस इतना ही करना है आपको। अगर थोड़ा बहुत एयर ले लेता है, ऐसा अगर हो जाता तो उसको आप सुधार सकते हैं खुद से, कोई टेंशन नहीं है। आप फिर इसको कोई कपड़े से या फिर कुछ से आप इसको बारीकी से साट लीजिएगा, ठीक है। ख़ास करके आप जो इसका आप पेपर निकाले थे उससे अगर आप प्लेन तरीके से साटेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मैंने कपड़ा का यूज़ किया है और ये मेरा टी शर्ट था, मैंने उसी का यूज़ कर लिया, बाकी सब ठीक है, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस था करना, बहुत ईजी है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप अपने नए लैपटॉप का जो कीवर्ड है उसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कीवर्ड जो होता है हमारे लैपटॉप का काफ़ी कॉस्टली आता है, एंड एक बार ख़राब होता है तो इसको बदलने में बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। हो सके तो एक्सटर्नल कीवर्ड भी यूज़ कर लो। और मेरा हाथ में थोड़ा सा रंग लग गया था प्रिंटर वाला, वही वाला यहाँ पर आ गया है सामने में, देखो तो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, उतना चलता है। बाकी यही पूरा प्रोसेस था, आई होप समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, एंड अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।